प्रॉपर्टी गुरुकुल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं राजवंश सिंह माली, रियल एस्टेट मेंटर, रियल एस्टेट बुक्स का ऑथर एंड मोटिवेशन स्पीकर। आज का जो टॉपिक है ये मैंने दिया है, इम्पोर्टेंट फार्मूला टू बी यूज्ड इन रियल एस्टेट डील मीटिंग। जब रियल एस्टेट डील की हम मीटिंग में बैठते हैं तो हमें कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, वैसे तो मैं पहले अपनी किताब प्रॉपर्टी कारोबार से खुशहाली जो 2013 में आई थी उसी में मैंने ये फार्मूले का जिक्र किया था कि हमने सामने वाली पार्टी के साथ कैसे बैठना है। लर्न बिफोर यू गो टू अर्न ये चैप्टर है, उसमें मैंने पूरी तफसील से, पूरी डिटेल से इसमें बात की हुई है। परंतु सभी लोगों ने मेरी किताब नहीं पढ़ी, कुछ लोग वीडियो के जरिए मेरे साथ जुड़े हुए हैं, कुछ किताबों के साथ जुड़े हुए हैं। तो जिन्होंने किताब नहीं पढ़ी तो वो फार्मूला आपके साथ शेयर करने का मेरा मन है। तो वो इस वीडियो का टॉपिक यही है आज का कि मैंने जब भी आपने रियल एस्टेट मीटिंग के साथ सामने वाले के साथ बैठना है तो कैसे बात करनी है, किन किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले मैंने एक ये डायग्राम बनाई है, एक में 75% है, एक में 15% है, एक में 10% है। जो आपका फोकस है ज़्यादा किस चीज़ पर होना चाहिए, इस पे 75%। ये क्या है, लिसनिंग विद हीड, हीड लिखा HEED, हीड का मतलब होता है ध्यान से, अटेंटिवली हमने बात सुननी है। हीड को हेड ही समझ लो, बेशक भी हमने अपना पूरा दिमाग लगा के बात सुननी है पूरे ध्यान से, लिसनिंग विद हीड, पूरे ध्यान से उसकी सामने वाले बंदे की बात सुनी है, सुननी है। ये नहीं कि जाते ही हम आप ही शुरू हो गए कि हाँ जी क्या करना है क्या नहीं। मैंने ऐसे भी कई प्रॉपर्टी दलाल देखे हैं जो किसी को, सामने वाले को बात ही नहीं करने देते। इंटेलिजेंट होना अच्छी बात है, आप में थोड़ा सा शर्म ना होना ये बातचीत में ये भी अच्छी बात है, लेकिन हमें सामने वाले बंदे से भी तो कुछ पता करना है। जो सामने वाले बैठा है उससे पता करने के लिए हमें चुप रहने की ज़रूरत है, चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। चौकन्ना, चौकन्ना शब्द भी मैंने यूज़ किया अपनी किताब में। चौकन्ना का मतलब है भी जो आदमी चार कान रखता हो, चार कान का मतलब डबल सुनता हो, चौकन्ना का मतलब होशियार कहते हैं। चौकन्ने का मतलब डबल सुनने वाले आदमी को होशियार कहा जाता है, जो आदमी ज़्यादा सुनता है और बोलता कम है। सो ये बात जो 75% है हमने लिसनिंग भी करनी है बहुत अच्छे तरीके से, बड़े ठंडे दिमाग से। जितने ठंडे दिमाग से हम उसको सुनेंगे उतने ही तरीके से हम उसको बेस्ट तरीके से हम सामने वाले बंदे को एनकाउंटर कर सकेंगे, काउंटर कर सकेंगे उसको कि क्या चीज़ है यार, आप क्या कहना चाहते हो, और वो बात हमें समझ आ जाएगी। यदि हम बोलते जाएंगे, हम उसकी सुनेंगे नहीं, तो हमारी कुछ बातें वो नोट करके हमें अपनी बात मनवाने में कामयाब हो जाता है। सो इसमें मैंने अगला लिखा 15%। 15% क्या करना है, ये तो 75% हो गया लिसनिंग, आपने अपना उसका मतलब लैंडिंग योर ईयर के आपने अपने कान उसको दे दिए। उसके बाद थिंकिंग एंड ऑब्जर्वेशन, जो उसकी बात आप 75% उसकी बात सुन रहे हो, उस बात को अपने अपने दिमाग में घुमाते रहना और घुमाते रहना और ऑब्जर्व करना। कोई आपको बात उसकी समझ ना आए तो भी आपने उससे दोबारे भी पूछ लेनी है। या कई बार होता है कि हम उसको अपनी बात कह रहा है, कहने के बाद जब फिर हमारी बारी आती है तो हमें कई बार उसकी बात का हमारे पास प्रॉपर जवाब नहीं होता। तो वो प्रॉपर जवाब हमें लाने के लिए, अपने दिमाग में लाने के लिए हमें थोड़ा ब्रेक भी चाहिए होता है। कई बार मैंने इसमें बोला अपनी किताब में भी यही लिखा था कि आप वॉशरूम में जा सकते हो, कोई एक आध मिनट के लिए इधर उधर हो सकते हो, लेकिन ये नहीं कि पार्टी अंदर बैठी है और आप बाहर घूम रहे हो। ये चाहे आप रियल एस्टेट एजेंट के तौर पर बात कर रहे हो, चाहे आप सेलर और परचेजर के तौर पर बैठे हो वहाँ पर। उसके बाकी मैंने लिखा 10%। 10% क्या है, टॉकिंग प्लस डिलीवरिंग योर ऑब्जर्वेशन। जो आपने 75% सुनने के बाद ऑब्जर्व किया है उसको हमने आगे उसका जवाब कैसे देना है, उसका जवाब देने के लिए मैंने 10% लिखा है। 10% में आपने ब्रीफ बोलना है, कम बोलना है और बिल्कुल कॉन्फिडेंटली बोलना है। फिर यदि आप कॉन्फिडेंटली बोलोगे तो बहुत ही बढ़िया रहोगे, आपका विश्वास है जो वो बहुत ज़बरदस्त होना चाहिए। मैंने अपनी उसी किताब में एक आत्मविश्वास का चैप्टर दिया था और उसमें मैंने किसी पार्टी के साथ
हुई मीटिंग के बारे में जिक्र किया है। वो माया पैलेस होटल में हम बैठे थे, 2006 की बात है शायद, 2006-07 के आसपास की। तो कोई बंदा देहरादून से अपनी प्रॉपर्टी बेचने के लिए यहाँ पर आया था चंडीगढ़ में, और वो उसको ये क्लेम करता था कि मैं अपनी प्रॉपर्टी आपको 100 पैसे की प्रॉपर्टी सिर्फ 20 पैसे में देना चाहता हूँ। तो जो आदमी मेरे को लेके गया, हैप्पी था उसका नाम लड़के का, हमारा अच्छा मित्र है वो, तो वो लेके गया कि भाई साहब मेरे साथ चलो। तो मैंने उसको हैप्पी को जाने से पहले बोल दिया था कि इस डील में कोई बिग प्रॉब्लम है। वो कहते हैं ये आपको कैसे पता लग गया? मैंने कहा ये रियल स्टेट की मार्केट है, रियल स्टेट की डील है, यदि 100 रुपये की चीज़ 80 में मिले तो भी लोगों का तांता लग जाता है, लोग घूम आ जाते हैं भी लाओ यार मेरे को दे दो मेरे को, और ये तो 100 रुपये की चीज़ 20 रुपये में मिली है। और दूसरे नंबर पर देहरादून से बंदे आए हुए हैं और चंडीगढ़ में पहुंच गए हैं 250 किलोमीटर चल के, तो इसका मतलब वहां उनको कोई बेवकूफ़ बनने वाला नहीं मिला, हमें वहां बेवकूफ़ बनाने के लिए आ गए। तो फिर थोड़ी सी बात होने के बाद बोलने लगे कि सर हमें आपसे बात इस शर्त पे करेंगे यदि आप आज हमें 30 लाख रुपया एग्रीमेंट अमाउंट दोगे। तो मैंने कहा यार एक बात, मैं परचेजर एज ए परचेजर आपके सामने बैठा हूँ, आप सेलर हो, आपने मेरे से 30 लाख रुपया क्यों मांग लिया? आज आपका ये फर्ज बनता था पूछते मेरे को, सर आपने प्रॉपर्टी देखी है, आपने इसके कागज देखे हैं, आपने ये कोई और चीज़ आपने पूछना है वो पूछ सकते हैं, डाउट्स क्लियर हैं आपके? आपने 30 लाख रुपया मांग के अपने आप को डाउट में डाल दिया। तो मैं एज ए परचेजर आपको एक बात कहना चाहता हूँ। कहता जी कहो क्या कह, क्या बात है? मैं कहा मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरा डाउट है कि आप मेरे साथ चीटिंग करने के लिए आए हो, आप मेरे को चीट करना चाहते हो 30 लाख रुपये में, क्योंकि जो बातें मेरे को अभी जची नहीं रही, 30 लाख रुपये आप कैसे ले सकते हो? तो आप मेरे को चीट करना चाहते हो, आप ये प्रूव करो कि हम आप मेरे को चीट करने नहीं आए। तो पहले जो कागज पत्र लेके बैठे, कागज पत्रों में मैंने देखा, मैंने कहा भाई 7-8 बंदे थे, काफ़ी मतलब पर्सनैलिटी वाले बंदे थे। तो मैंने कहा भाई एक बात बताओ, जिन में सबसे ज़्यादा इन प्रॉपर्टी इन कागज़ों की नॉलेज है वो मेरे पास आ रहे। तो एक बंदे की तरफ इशारा किया गया, मिस्टर पुरी थे, सफ़ेद वालों के वाले थे। तो वो कहने लगे जी इनको सबसे ज़्यादा नॉलेज है, ये वकील हैं। तो जब मैंने वाइट पेपर मंगवा के वेटर से उसके ऊपर लिखना शुरू किया कि ऐसे हम यहाँ खड़े हैं, मतलब यहाँ खड़े हैं हम, आगे कैसे चल रहे हैं बताओ जरा, आपका म्यूटेशन है कहाँ तक पहुँचा है, कैसे है, किस तरीके से आपका कब्जा शोर, तो वो बंदा हमारी बात का जवाब ही नहीं दे पाया। तो मैंने कहा सर पहले 30 लाख रुपये मांगने से पहले आपको हमारी तसल्ली तो कराओ ना, आपको हमारी तसल्ली करवानी पड़ेगी, यदि हम आप हमारी तसल्ली कराने में कामयाब नहीं होते तो फिर हम डील नहीं करेंगे। तो मैं एज ए परचेजर आपके ऊपर डाउट कर रहा हूँ कि आप चोर हो, तो आप चोर हो और आप मेरे साथ गड़बड़ करने आए हो, या आप प्रूव करो कि आप चोर नहीं, आप बिल्कुल जेंटलमैन हो और मेरे को सही डील देना चाहते हो। तो आप यकीन ना करो, यकीन करो दोस्तों, शायद यकीन ना ही करो, वो बंदे बीच में ही कॉफ़ी छोड़ के चले गए, और मेरे को जो हैप्पी लेके गया था उसका चाचा जी साथ थे, तो बोलने लगे भाई साहब आपने इतनी बड़ी बात उनको कैसे कह दी? मैंने कहा मैंने माहौल बना के कहा है, सीधा सीधा नहीं कहा उनको कि तुम चोर हो, नहीं, मैंने कहा कि मैं परचेजर हूँ, मेरा शक करना आपके ऊपर, डाउट करना मेरा धर्म है, मेरा फर्ज है ये कि आपके ऊपर मैं डाउट करूँ, और मैं डाउट कर रहा हूँ कि आप चोर हो, मेरे साथ ठगी करने आए हो, आप ये प्रूव कर दो कि आप चोर नहीं, आप जेंटलमैन हो, ठगी नहीं, आप मेरे साथ डील करने आए हो, तो मैं आपको 30 लाख रुपये छोड़ 50 लाख रुपये अभी इंतजाम करके दे दूँगा। बस वही हुआ, उनके पास कोई बात नहीं थी और वो बीच में चले गए। मैं यही उस बात से यही चीज़ सीखी है कि हमने उनसे सुनना है, सबसे ज़्यादा सुनना है, ऑब्जर्व करना है, फिर अपनी बात कहनी है। यदि हम पहले ही उसकी बात कहने से पहले ही कुछ कहना शुरू कर देते, हो सकता है हमारी बात में से बात कुछ निकाल लेते। मैं पहले भी देखो, हमने 1994 में मेरे साथ मिस्टर गुलाटी, हरविंदर सिंह गुलाटी, जो भी बैंक में थे, हम इकट्ठे काम करते थे, तो हम बहुत ज़्यादा तैयारी करके जाते थे कि पार्टी के पास जा रहे हैं, ये करेंगे, ये बात, तो बात होती नहीं थी वहाँ पर, तो जो हम सोच के गए, तैयारी करके गए, वहाँ माहौल ही कुछ और बन गया। तो फिर हमने सोचा, हमने जो अपने आप को ठीक किया, अपनी गलतियां सुधारी, गलतियां सुधारने से हमें ये पता लगा कि हमें तैयारी करके जाने की ज़रूरत नहीं है, वहीं बैठ के उनकी बात सुननी है,
चौकन्ने हो गए, चार कान कुदरत का नियम है, कुदरत ने दिए हमें, दो कान दिए एक जुबान दी है, मतलब हमने बोलना कम है और सुनना ज़्यादा है। यदि हम उल्ट कर देंगे, बोलेंगे ज़्यादा और सुनेंगे कम, तो हम कुदरत से मतलब छेड़छाड़ करेंगे और कुदरत की छेड़छाड़ है जो वो आपको बहुत महंगी पड़ती है। सो दोस्तों आज के लिए इतनी, वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना, इसके ऊपर चर्चा कर लेना, ये बहुत काम आने वाली चीज़ है। और आपका सवाल हो कमेंट बॉक्स में, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबा दो, ताकि इस तरीके की वीडियो, इस तरह की वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। बहुत जल्द नए टॉपिक के साथ आपके सामने होऊंगा, आप तब तक अपना ध्यान रखें, सीखते जाएं, पढ़ते जाएं और आगे बढ़ते जाएं। थैंक यू वेरी मच। राजवंश सिंह मोहाली आपका दोस्त, आपका होस्ट।